नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जेपी। वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, आज जो गाड़ी है हमारे पास, ये है महिंद्रा का सुप्रो। ठीक है, सुप्रो ट्रक है ये। इसमें प्रॉब्लम क्या, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका देखिए चाबी ऑन किया हुआ है। इसमें एक प्रॉब्लम और देखिए, इंजन लाइट जो लिखा हुआ है वो भी कंटिन्यू ऑन है। ठीक है, इसको चाबी ऑन करने के बाद चला जाना चाहिए। तो इसको हम लोग आपको एक बार सेल्फ मार के भी दिखाते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि नहीं है। ठीक है, चाबी ऑन है, सेल्फ मारते हैं। जैसे कि देख पाए अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसको हम लोग आज इसको डायग्नोस करेंगे, क्योंकि इंजन लाइट आ रहा था, इसको डायग्नोस करना पड़ेगा लैपटॉप से। तो डायग्नोस करेंगे अपना आज जो गरुड़ा है अपना, गरुड़ा से। ठीक है, ये देखिए लैपटॉप कनेक्ट कर चुका हूँ, गरुड़ा कनेक्ट किया हुआ है स्मार्ट। ठीक है, गरुड़ा 2 है ये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा डिवाइस है गरुड़ा 2। ठीक है, तो इसको हम लोग आज डायग्नोस करेंगे। ये जैसे कि ये गाड़ी है सुप्रो, ठीक है, हम इसको कनेक्ट करके रख दिए हैं पहले से ही। तो ये सारा गाड़ी आपको ऊपर में दिख रहा होगा, राइट साइड से उसका हम साइड क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एरो एक दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे, धीरे धीरे सारा गाड़ी आ चुकेगा। और एक बार क्लिक किया, ठीक है, तो अभी तक आया नहीं है। और एक बार क्लिक किया, देखिए जैसे कि यहाँ पे आ गया सारा गाड़ी। जैसे कि ये गाड़ी है सुप्रो ट्रक, ठीक है, तो ये सुप्रो में हम जाएंगे, सुप्रो मिनी ट्रक में जाएंगे। देखिए सुप्रो, मेरा कर्सर में ध्यान दीजिएगा, सुप्रो मिनी ट्रक में क्लिक करेंगे। ठीक है, सुप्रो मिनी ट्रक में क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पे एक मतलब ये करेंगे, ईएमएस चेक करेंगे। ठीक है, डीटीसी चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं डीटीसी सारा, कितना सारा डीटीसी आ चुका है। देखिए बहुत सारा वायरस इसमें है, वायरस की और डीटीसी बोलता है कोई एरर कर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सब पीला कलर का है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सब पीला कलर का है, ये पीला कलर सब स्टेटस एरर में है। और ये देखिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीला कलर मतलब हील्ड में है, और जो रेड कलर का है वो करंट में है। जैसे कि आप सबसे नीचे देख पा रहे हैं आप, क्रैंकशाफ्ट सेंसर नो सिग्नल एरर, देखिए ये है रेड कलर का, यानी कि ये करंट है। तो एक बार हम सारा डीटीसी को क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट में ऑप्शन है क्लियर ऑल, क्लियर करते हैं। क्लियर करने का ऑप्शन करने का यहाँ पर देखिए एस आया, एस में क्लिक करेंगे। एस में क्लिक करने बाद देखिए सारा कॉल कोड अभी क्लियर हो चुका है। ठीक है, एक बार और इसको हम डीटीसी चेक करते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए डीटीसी का ऑप्शन आया है, यहाँ पर डीटीसी और एक बार चेक करते हैं। देखिए फिलहाल अभी कोई डीटीसी नहीं है, क्योंकि अभी तक इसका हम लोग एक बार इरेज किए हैं, इरेज करने के बाद डीटीसी आया नहीं है। एक बार और सेल्फ मारेंगे तो डीटीसी जरूर आएगा। तो एक बार और सेल्फ मार के हम लोग दिखा देते हैं। देखिए अभी चेक लाइट चला गया, लेकिन गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। एक बार सेल्फ मारते हैं, जैसे कि आप देख पाए अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए अभी इंजन लाइट फिर से आ गया है। देखिए यहाँ भी ये फॉल्ट कोड फिर से ऑटोमेटिकली आ चुका है, रीस्कैन करने का जरूरत नहीं पड़ा। P0335, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट सेंसर सिग्नल नो सिग्नल एरर रेड में है, यानी कि करंट डीटीसी में है। ठीक है, तो हम लोग अभी गाड़ी का इंजन का कंपाउंड में जाएंगे, जाने के बाद उसको देखेंगे क्या फॉल्ट है, सेंसर खराब है या वायरिंग खराब है। ठीक है, तो हम लोग नीचे चलते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे ये जो सेंसर, ये देखिए ये सेंसर है, क्रैंक सेंसर, इसमें हम लोग कपलर इसको चेंज किया। जैसे कि देखिए इस कपलर का प्रॉब्लम था, ये जो कपलर है दूसरा हम लोग लगाया है। देखिए कपलर का प्रॉब्लम था, तो पुराना कपलर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो है पुराना कपलर, देखिए सारा इसमें ठीक से तो तार टूटा हुआ था, ठीक से कपलर लगा हुआ नहीं था। ठीक है, ये देख पा रहे हैं जैसे कि ये कपलर खराब था, तो इसको कपलर को हम लोग इसको चेंज किया है। देखिए दूसरा कपड़ा इसको हम लोग डाल दिए हैं, तो इस कपड़ा को हम लोग लगा दिए हैं। इसमें हम लोग वोल्टेज भी चेक किया, वोल्टेज भी सही है और क्रैंक सेंसर भी सही है। ठीक है, तो क्रैंक सेंसर कैसे चेक किया जाता है, वोल्टेज कितना आता है, वो कभी मैं बताऊंगा आपको फुर्सत में। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको लगाने के बाद फिर से इसको देखेंगे गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसको थोड़ा सा वायरिंग हम लोग ठीक कर लेते हैं, ठीक करने के बाद फिर गाड़ी में स्टार्ट करके दिखाएंगे। दोस्तों देखिए, हम लोग फिट कर दिया सेंसर। ठीक है, तो अभी चलते हैं गाड़ी में, गाड़ी में जाने के बाद स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अभी हम लोग तार उर सब कुछ लगा दिए हैं, तो इसमें कूलन टेम्परेचर का सेंसर का भी वायरिंग का प्रॉब्लम था, इसीलिए उसका भी खोला था, इसीलिए वो कोड भी आया। देखिए सिग्नल रेंज पर कूलन टेम्परेचर, देखिए सिग्नल रेंज पर ब्रेक सिग्नल पॉसिबिलिटी एरर। ठीक है, ये सब सारा कोड आ रहा है कभी, इसको हम तो इसको सारा को क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद फिर हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कर्सर को देखिए, राइट साइड में क्लियर ऑल लिखा हुआ है, तो इसमें क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे यस या नो ऑप्शन आ रहा है तो यस करेंगे। ठीक है, यस करने के बाद देखिए सारा कोड चला जा चुका है। तो एक बार और रीस्कैन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी तक कोई फॉल्ट कोड अभी नहीं है, पूरा DTC नो DTC है अभी, कोई इसमें कोई फॉल्ट कोड अभी नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम लोग मीटर बोर्ड में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका चेक इंजन लाइट भी चला गया है। तो गाड़ी को हम लोग करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं गाड़ी हो गया स्टार्ट अभी। ठीक है, इसमें चेक इंजन लाइट कुछ भी लाइट नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए गाड़ी हो गया अभी स्टार्ट, गाड़ी का कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है आ गया। ठीक है, तो गाड़ी को करते हैं बंद। ठीक है दोस्तों, ये टूल्स आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस टूल्स के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें BSC सारा काम इसमें होता है। ठीक से, ये महिंद्रा का गरुड़ 2 है, ओरिजिनल टूल है। ठीक है, अगर किसी को ये टूल चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं रिजनेबल रेट में आपको दिला दूंगा और सपोर्ट भी मेरा रहेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, इसमें जैसे कि iFlash भी है और iSecure भी है। ठीक है, अगर किसी को ये टूल चाहिए तो कृपया मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, क्यों मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, उसके बाद फिर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।